Assalamu alaikum viewers, I'm Dr. Mujahid Farooq, your sex therapist at Men's Care Clinics. मुझे हमारे फीमेल लिसनर्स के बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए हैं और उन्होंने कंप्लेन की है कि डॉक्टर मुजाहिद आप हमेशा मेल लिसनर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, कोई एडवाइस फीमेल लिसनर्स के लिए भी होनी चाहिए. तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम एक ऐसी एडवाइस हमारे फीमेल लिसनर्स के लिए पेश करेंगे जो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सके. लेकिन इसके साथ साथ मेल लिसनर्स को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अपने फीमेल पार्टनर को ये वीडियो सुना सकते हैं और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं. तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहली बात जो मैं अपनी फीमेल लिसनर से करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या चूज़ करेंगे? क्या आप एक ग़ुलाम की बीवी कहलाना या बनना पसंद करेंगे या कि एक बादशाह की बीवी कहलाना या बनना पसंद करेंगे? ऑफ़ कोर्स आप सबका जवाब यही होगा कि एक बादशाह की. तो ये सिर्फ आप पर मुनहसर करता है, मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे. हमारे मुआशरे में देखें, ये एक बड़ा अलमिया है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन जो हैं वो अपने शोहर को अपना गर्वीदा करना चाहती हैं, इन अदर वर्ड्स वो उसको अपना ग़ुलाम बनाना चाहती हैं कि वो हर बात उनकी सुने, वो उनकी हर बात माने, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाए. लेकिन आपको जिस पॉइंट पर गौर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप ऐसा करती हैं तो वो ज़माने की नज़रों में आपका ग़ुलाम है और ज़माने की नज़रों में आप एक ग़ुलाम की बीवी बन जाती हैं. जबकि अगर आप अपने शौहर की बातें मानती हैं, उनके एहसासात, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं, वो जो आपसे कहते हैं आप उसको सुनती समझती और मानती हैं, तो ऐसा करने से आप उनकी ग़ुलाम नहीं बन रही हैं बल्कि आप उन्हें बादशाह बना रही हैं और ज़माने की नज़रों में आप उस बादशाह की मलका बन रही हैं. तो आपको अपने देखने और सोचने का जाविया चेंज करने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. आज की वो बड़ी नसीहत जो मैं आप सबको करना चाहता हूँ वो ये है कि नेवर यूज़ सेक्स एज योर वेपन. बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत से लोग लाइलमी की वजह से ऐसा ही करते हैं कि अपने शोहर को, या आपके शोहर ने अगर आपकी बात ना मानी हो या किसी भी बात पर अगर आपका अनबन हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप दोनों के दरमियान दूरी होती है. और आई एम सॉरी टू से, फीमेल्स जो हैं वो अपना ये हथियार इस्तेमाल करती हैं कि वो उनको सेक्स से महरूम कर देती हैं. देखें, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है. मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्यों और कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ. बट बिलीव मी, दिस इज़ प्रोबेबली सम ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवाइस आई हैव एवर गिवन टू माई फीमेल लिसनर्स. Never use the sex as your weapon. In fact, it is very dangerous to neglect your husband's needs. अपने शौहर की ज़रूरियात को neglect करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है. अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों. देखें, उससे पहले ये देख लें कि आदमी जो होता है, सेक्स उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सेक्स है. वो सेक्स से आपके और उसके रिलेशन को मजबूत करने का वाहिद ज़रिया सेक्स है, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए. अब वो कैसे होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब मेल और फीमेल इंटीमेट रिलेशन में होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं, तो दोनों में, मेल और फीमेल पार्टनर दोनों में, उनके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं. आम अल्फाज में उसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं. इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है ये समझिए. इसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो आपके अंदर वो एहसासात पैदा करता है जिससे आप सामने वाले के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, सेक्सुअल अरोज़ल क्रिएट होता है, इमोशंस क्रिएट होते हैं उस शख्स के लिए जिसके साथ आप उस वक्त मौजूद हैं. ये ऑक्सीटोसिन का बेसिक फंक्शन होता है. इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. देखें, ऑक्सीटोसिन बड़ी मकदार में
औरत में बड़ी मिकदार में उस वक्त खारिज होता है जब वो बच्चे को पैदा करती है। बच्चे को पैदा करते ही उसके दिमाग से ऑक्सीटोसिन कुदरती तौर पे एक बड़ी अमाउंट में रिलीज़ होना शुरू होता है, जिसके उस वक्त दो फंक्शन होते हैं। एक तो वो आपके बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लीडिंग कम हो, लेकिन ऑन अदर हैंड वो आपके फीलिंग्स में वो फीलिंग पैदा करता है जिससे आपकी और आपके बच्चे का बॉन्ड बनना शुरू होता है। और ये तो वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि माँ और बच्चे का जो बॉन्ड है वो दुनिया में माना जाता है कि वो सबसे मजबूत बॉन्ड है। उसको कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ उस बॉन्ड को कमज़ोर नहीं कर सकती। इस बात के तो आप भी गवाह हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको आपके बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई जतन करने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस वक्त आप अपने बच्चे को फीड कर रहे होते हैं, उससे प्यार कर रहे होते हैं, उसको किस करते हैं, उसको हग करते हैं, तो आपके और आपके बच्चे के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का और आपका बॉन्ड मजबूत से मजबूतर होता चला जाता है। बिल्कुल यही फिनोमेना जो है वो मेल और फीमेल पार्टनर में होता है। जब सेक्स कर रहे होते हैं, जब रोमांस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में दोनों के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन एक बहुत बड़ी अमाउंट में रिलीज होता है। और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितना ऑक्सीटोसिन एक फीमेल के दिमाग से उस वक्त रिलीज़ हो रहा था, उससे 400 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीटोसिन मर्द के दिमाग में पैदा होता है। तो आप सोचें कि उसका उस वक्त आपसे बॉन्ड बनाने का जो परसेंटेज है, जो चांस है, वो कितना ज़्यादा हो सकता है, वो बॉन्ड कितना मजबूत हो सकता है। तो कोई फैमिली पॉलिटिक्स, कोई खूबसूरती आपकी, आपकी कोई मालूमता, नथिंग, कोई भी चीज़ आपका आपके शौहर से या आपके पार्टनर से उतना मजबूत रिश्ता कायम नहीं कर सकता जितना आपका सेक्स आपके पार्टनर के साथ वो रिश्ता कायम कर सकता है। इतनी बड़ी अमाउंट में वो हैप्पी हार्मोन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, वो बॉन्ड क्रिएट करता है जिसकी आपको चाह है। लेकिन लाइल्मी की वजह से आप उसी को इग्नोर कर देते हैं, उसी पर आप कंसंट्रेट नहीं करते। तो अब इस चीज़ को आप ये देख लें कि आपका एक ग्रेट माँ हो जाना, या अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपका वर्क प्लेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना, अवार्ड्स हासिल करना या इंक्रीमेंट्स हासिल करना आपकी लाइफ को उतना हैप्पी नहीं बनाता जितना कि सिर्फ वो फीलिंग कि आपका शौहर आप में एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा लवर देख सके, या फिर आपका शौहर रोज़ शाम को इस चीज़ का इंतज़ार करे कि कब छुट्टी हो और वो घर जाके आपको देख सके। ये वो फीलिंग है, ये वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को हैप्पी बनाता है। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इसी बात पे था कि आप सेक्स को अपना वेपन के तौर पर इस्तेमाल न करें, बल्कि आप इसको अपने शौहर के साथ, अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करें, जो कि आप दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें YouTube और Facebook पर फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू।